हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास सेवन्थ इंटीजर चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, ये बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास सेवन्थ एलिमेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेट अस सी। इंसर्ट ग्रेटर देन और लेस देन साइन टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। हमें इन साइन का इस्तेमाल करना है और कौन सा साइन इनमें आएगा बॉक्स के अंदर हमें वो देखना है। तो चलिए करते हैं इसको, आसान है, बिल्कुल आसान है। तो फर्स्ट पार्ट है, जैसे -7 बॉक्स -9, इसमें देखिए कि जो नेगेटिव होते हैं ना, अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो रियलिटी में अगर ये बिना नेगेटिव नंबर होते हैं तो बताइए कौन बड़ा होता है 7 और 9 में, ओबियसली 9। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा, जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा। तो यानी कि ये वैल्यू छोटी होगी तो निशान हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट इसी तरीके से -28 -11, इन दोनों में कौन बड़ा होता? अगर ये पॉजिटिव होता तो 28 बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर ये छोटा होगा तो ये निशान ऐसे लगेगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट -15 7। लेकिन अब जो बात आ रही है वो है कि एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव, तो ऐसे केस के अंदर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो कुछ भी हो, 1 लाख हो। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया, तो निशान हमने इस्तेमाल किया ये वाला। अब फोर्थ पार्ट -118 -110, दोनों के अंदर अगर ये 9 नेगेटिव साइन ना होता तो बड़ा बड़ी वैल्यू होती 118 के मुकाबले में। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, बड़ी वैल्यू फिर उल्टा होगा, ये वैल्यू जो है ये बड़ी होगी छोटे वाली। ठीक है, अब फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट -421 बॉक्स -412। अब इसमें ये देखिए कि कौन सी बड़ी वैल्यू होती, 421 या 412, ऑब्वियसली 421। तो 421 जो है ये वैल्यू छोटी होगी, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मुंह बंद है उस तरफ छोटी वैल्यू होती है, जिस तरह मुंह खुला है वहाँ पे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, मुंह बंद है जिसमें। क्लियर हुआ। अब सिक्स्थ में है ये, हमने कौन सा देख लिया, फोर्थ ये था, फिर फिफ्थ ये किया, अब सिक्स्थ पार्ट ये वाला है -96 बॉक्स -97। 96 और 97 में बताइए कौन बड़ा होता, 97 और नेगेटिव होने की वजह से उल्टा, तो इस तरफ मुंह खुला है, बड़ी वैल्यू ये होगी और ये छोटी वैल्यू। अब सेवन्थ ये वाली -320 बॉक्स -302, बताइए कौन बड़ा होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 320 या 302। 320 वैल्यू बड़ी होती है अगर प्लस की हो तो, लेकिन माइनस है दोनों तरफ तो इसका उल्टा हो जाएगा, -320 -302 से छोटी होगी। तो निशान ऐसे, इस तरफ बड़ी, खुला हुआ मुंह, बड़ी वैल्यू। अब एट्थ पार्ट -125 बॉक्स -74, इसमें देखिए कि 125 वैल्यू बड़ी होती है 74 से अगर प्लस किया तो, यहाँ पर क्या होगा निशान, इस तरफ मुंह खुला हुआ होगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होगी, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, राइट।
9th minus 465 and minus 865, इनमें ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, तो ये वैल्यू बड़ी होती इससे, अगर पॉजिटिव होती तो नेगेटिव में उल्टा, तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो ये मुंह खुला हुआ है इस तरफ, ये बड़ी वैल्यू हुई, एंड बस 9 पार्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, बड़ा ही आसान था एलिमेंट्स का, एनसीईआरटी नहीं है ये, तो आप इससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।